पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, क्या बतलाया गया है आपको? तीन प्रकार की बुद्धि, सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से त्रिविध प्रकार की बुद्धि बतला दी गई, और साथ ही साथ त्रिविध प्रकार की ही धृति आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सात्विक बुद्धि क्या है? जो धैर्य उत्साह से युक्त है और धर्म को अधर्म को प्रवृत्ति और निवृत्ति को भय और अभय के कारण को जो समझने वाली बुद्धि है उसको सात्विक बुद्धि कहते हैं। राजसिक बुद्धि कैसी बतलाई गई है? जो धर्म और अधर्म को जो अलग अलग यथार्थ रूप से नहीं जानती है, स्वार्थ पूर्ति सांसारिक अभ्युदय उन्नति इसको ही परम पुरुषार्थ समझने वाली जो बुद्धि है वो राजसी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि तो क्या है? अधर्म को ही धर्म मान लेना। क्या है? अधर्म को ही धर्म करके जानना। इस प्रकार सबके सब जो पदार्थ है उनको उल्टा ही जानना, विपरीत ही समझना, ऐसी बुद्धि तामसी। तो सात्विक बुद्धि जो धर्म अधर्म को सही सही जाने कि ये धर्म है ये अधर्म है, क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है, संसार में प्रवृत्त होना और परमात्म प्राप्ति के लिए जो समस्त हल से कर्मों से उपराम हो जाना रूप निवृत्ति को भी, प्रवृत्ति को भी और निवृत्ति को भी जो जानने वाली बुद्धि है वो बुद्धि सात्विकी है। राजसी और तामसी जो बुद्धि है ये क्या करती है? इस जीव को बांधे रखती है। तामसी बुद्धि के कारण इस जीव का पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म होता है, नरक में जाता है। राजसी बुद्धि वाला जो है मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है, और सात्विक बुद्धि वाला जो है वो तत्व को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है सात्विक बुद्धि। इसी प्रकार से धृति बतलाई गई है। तो सात्विक धृति क्या है? जो मन प्राण इंद्रियों की चेष्टा को नियंत्रित करके रखती है, उनको धारण करके जो रखती है, अधर्म में उनको प्रवृत्त नहीं होने देती, ऐसी जो धृति है वो क्या है? सात्विकी धृति। मतलब मन प्राण इंद्रिया आदि को संयमित कर लेना, और इनको संयमित करके
परमात्म प्राप्ति में लगा देना, ये सात्विकी धृति है। और राजसी धृति क्या बतलाई गई थी? जो धर्म अर्थ और काम का संग्रह करने वाली, क्या धर्म अर्थ काम, कितने पुरुषार्थ हैं? कितने पुरुषार्थ? चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो मोक्ष में अपनी मन इंद्रिया प्राणों की चेष्टा को लगाने वाली जो धृति है, वृत्ति है, बुद्धि की, ये क्या है? एक वृत्ति ही है। मन प्राण इंद्रियों की समस्त चेष्टा को जो मोक्ष के लिए नियुक्त करने वाली जो धारण शक्ति है, उसको सात्विक धृति कहेंगे। और जिसके द्वारा धर्म का, अर्थ का और काम का संग्रह हो, वो धृति क्या है? वो राजसी धृति। वो धृति क्या है? राजसी धृति है। आसक्ति युक्त फल की इच्छा से, फल की आकांक्षा से युक्त जो धृति है, वो राजसी धृति हुई। अब तामसी धृति, उसका आप लोग वर्णन सुनिए, 35वां श्लोक है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदं एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मतः। अच्छा जी, यया, जिस यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा स्वप्नम माने निद्रा, सोए रहना, हर समय क्या है? बस नींद, नींद का ही आवेश बना रहता है हर क्षण। कई लोग होते हैं ना, निद्रा का विशेष जोर रहता है हर समय। शरीर में तमोगुण की प्रधानता के कारण से हर समय आलस्य आया रहता है। तो इस प्रकार निद्रा भयम, भयभीत बने रहते हैं, निरंतर किसी न किसी भय से युक्त बने रहते हैं। या तो दृष्ट कोई भय हो, कोई समस्या हो, अन्यथा व्यर्थ में ही काल्पनिक जो है विविध प्रकार की आशंकाएं करके भयभीत बने रहते हैं। तो ऐसे लोग जो निद्रा में ही रहे और निरंतर जिनके चित्त में भय ही व्याप्त बना रहे, शोकम और इष्ट की वियोग जनित शोक बना रहता है, निरंतर शोकाकुल बने रहते, शोक में ही डूबे रहते, निरंतर शोक में ही डूबे रहते। विषादम, जब देखो तब विषादी, दुखी है, उदास, खिन्न मन, निरंतर हर समय कैसे रहेंगे? कि जैसे इनका किसी ने सर्वस्व हरण कर लिया हो, सब कुछ छीन लिया हो, प्राण भी निकाल लिए हो शरीर में से, है? ऐसे बिल्कुल बने रहेंगे कि देखो तो उनको देख करके हंसता मुस्कुराता हुआ व्यक्ति भी रोने लग जाए, है? कई लोग ऐसे होते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। तो विषादम, विषाद से युक्त बने रहना, निरंतर कोई सीमा ही नहीं है।
कि भाई दुखी क्यों है, क्या कारण है। कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, क्या कारण है, भूखा है क्या, है जी नहीं, पर मैं बहुत दुखी हूँ, क्या कारण है भाई, बीमार है क्या, है जी नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, क्यों, कोई जो है सर्दी लग रही है, हैं, या कोई वस्त्र आदि नहीं है, क्यों दुखी है, कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि अपने जो ग्राम या शहर है उसका मैं सबसे धनी व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे से धनी कई लोग हैं, इसलिए बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ। अब उनको कौन प्रसन्न कर सकता है, फिर कहेंगे कि शहर का तो धनी हो गया जी मैं, पर अपने देश का तो सबसे धनी नहीं हूँ, देश का भी हो गया जैसे तैसे, हाँ, तो फिर कहेंगे कि जी मैं पूरे विश्व का तो नहीं, और विश्व का भी हो गया तो भी उनको दुखी रहना ही है। फिर वो कहेंगे कि जी हमारे से ज़्यादा वैभवशाली तो इंद्र का, इंद्रलोक, देवेंद्र की बड़ी महिमा सुनी है, हैं, क्योंकि वो बड़े महिमा वाले हैं, उनसे भी ज़्यादा। इस प्रकार से महावीर आगत द्वेष बना रहता है, फिर कहेगा इंद्र, इंद्र के गुरु बृहस्पति जी वो ज़्यादा आनंद में है, फिर ब्रह्मा, फिर कहेगा बृहस्पति बन के भी कोई लाभ नहीं हुआ, ब्रह्मा जी ज़्यादा आनंद में है। ब्रह्मा जी कहेंगे कुछ नहीं भाई, कुछ जीवन ही नहीं है, ब्रह्मा जी भी बैठा बैठा क्या सोचता है, हैं, कि हमारा भी कोई जीवन है क्या, जीवन तो जीवन मुक्त महापुरुषों का है, जीवन किसका है, जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया है हृदय में, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जीवन तो उनका है, हमारा भी कोई जीवन है, ब्रह्मा जी कहेगा। जबकि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, हाँ जी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग मिले तब क्या बनता है, एक दिव्य युग बनता है, तब क्या बनता है, और ऐसे दिव्य युग 1000 बार बीत जाए तब ब्रह्मा जी का। अब आप सोच, अब आपको बताई थी एक युग का परिमाण क्या बताया था, 432,000 वर्ष किसके हैं, कलयुग के, इससे 2 गुने द्वापर, कलयुग के 3 गुने त्रेता, और कलयुग के 4 गुने हैं सतयुग के, तो इस प्रकार कुछ पता नहीं क्या बैठता है, 43 लाख कुछ बैठता है, और 43 लाख ये क्या हो, अरे ये तो क्या हुआ, ये 1000 बार बीत जाए तब क्या हुआ, एक दिन, तब एक दिन हुआ है, और इस तरह 365 दिन बीतेंगे तब क्या होगा, और इस तरह 100 साल बीतेंगे तब जा करके एक ब्रह्मा जी की आयु, जैसे मच्छर की भी ज्यादा है, मतलब हमारी आयु, हमारे शरीरों की आयु ब्रह्मा जी की आयु के सामने उतनी भी नहीं ठहरती, मच्छर की आयु ज्यादा ठहरती है हमारे सामने, मच्छर तो जीता है ना 1-2 दिन। तो इस तरह कहने का भाव है, ब्रह्मा जी को भी बड़ी चिंता है, बड़ा दुखी है ब्रह्मा भी बैठा बैठा, कि हम तो क्या है महाप्रलय में लय हो जाएंगे, मर जाएंगे हम तो महाप्रलय में, महाप्रलय में तो कुछ भी नहीं रहेगा, केवल एक ब्रह्म परमात्म तत्व, उसको जिसने प्राप्त कर लिया है तो बस वही ब्रह्म रूप हो गया है, और बाकी तो सबका सब सोपाधिक जंजाल क्या होता है, सारा का सारा नष्ट हो, निरुपाधिक रह जाता है, निरुपाधिक निर्विशेष जो ब्रह्म आत्म तत्व है वो रहता है, और बाकी जितना भी सोपाधिक जंजाल है, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी सबके सब सोपाधिक है, तो सबकी सब उपाधियां विलीन हो जाए, नष्ट हो,
तो इस प्रकार से अच्छा जी विषाद की बात चल रही, विषादी तो निरंतर विषाद में ही रहना, मदमेव च, या फिर क्या है मद से युक्त बना रहेगा, क्या बना रहता है मद, अहंकार से युक्त बना रहता है, मदांध न विमुंचति दुर्मेधा, जो दुर्मेधा है ना, जो कुत्सित बुद्धि वाला पुरुष है, जिसकी बुद्धि क्या अत्यंत मलिन है, बुद्धि अत्यंत मलिन है, निकृष्ट बुद्धि वाला, तो ऐसा जो दुर्मेधा है वो ना विमुंचति, इनका कभी परित्याग नहीं करता है, निद्रा का और भय का और शोक का, विषाद का और मद का कभी भी परित्याग नहीं करता है। ऐसी जो धृति है सा तामसी मता, ऐसी जो धृति, धृति माने धारण शक्ति, क्या बतलाई थी, धारण शक्ति, निश्चयात्मी, धारण शक्ति माने जैसे निश्चय है अंतर में, जो जो आपके क्या है निश्चय है, जैसे किसी का निश्चय होता है कि सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, परोपकार करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं, तो ये सात्विक धृति हुई। राजसिक धृति क्या है, अरे हमें क्या किसी से मतलब, हमारा काम ठीक होना चाहिए है, हमारे को लाभ होना चाहिए और हमारे स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, बाकी हमें क्या मतलब है। ऐसी जो धृति है, ऐसा जो अंतर में निश्चय किए हुए है, वृत्ति बना रखी है, वो राजसी वृत्ति। और तामसी वृत्ति क्या है कि दूसरे का अहित करना, अपना हित होवे या ना होवे, लेकिन दूसरे का अहित कैसे हो, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, ऐसी जो धृति है वो क्या है, तामसी। और इनका फल पीछे आप सुनी आए हो, सात्विक धृति का फल क्या है, देवलोक की प्राप्ति, और यदि निष्काम भाव से किया जाए तो ज्ञान प्राप्ति द्वारा परमात्म प्राप्ति, ये सात्विक धृति का की का फल है। राजसी धृति का फल क्या है कि फिर मनुष्य शरीर में ही लौट आता है, रजोगुण के कारण से क्या होता है, और तामसी धृति जिसकी है, तमोगुणी जिसके निश्चय है, वो पशु पक्षी नीच योनियों में जन्म लेता है। जैसे अपने विचार, जैसा अपना निश्चय, जैसी अपनी बुद्धि, बुद्धि के अनुसार ही है कि ये सज्जन है, बाकी तो क्या है, वही हाथ पैर उसके हैं, कहते ये सज्जन है और ये स्वार्थी और ये महादुष्ट है, तो कुछ परिवर्तन क्या है, हाथ पैर से परिवर्तन है क्या, विचारों से ना, कि सज्जन है क्योंकि इसके श्रेष्ठ विचार है, सहयोग करना, दुखियों का दुख दूर करना है, सहयोग करना, प्रेम करना, संतोष रखना, धैर्य रखना, सहनशीलता रखना, ये सब क्या है, ये सज्जन है। और जो जो स्वार्थ में लहे, लोभ में ही रहे, आसक्ति में ही डूबा हो, मोह में ही डूबा हो, ऐसी जो धृति क्या है, वो राजसी है। और तामसिक वाले की तो स्थिति क्या है, बस दूसरे का अहित, कष्ट कैसे हो, पीड़ा कैसे पहुंचाओ, आतंकवादी लोग निरंतर क्या प्रयत्न, कष्ट पहुंचाना है, ये व्यक्ति सुखी क्यों है, ये प्रसन्न क्यों है, उनको इस बात की टेंशन है। सज्जन व्यक्ति इसलिए थोड़ा प्रयत्न करता है कि कोई व्यक्ति उदास ना हो, दुखी, ये दुखी क्यों है बेचारे, ये सुखी हो जाए, सज्जन तो ये चाहेगा। और जो स्वार्थी होगा वही चाहेगा कोई सुखी कोई दुखी, मेरे क्या मतलब, मैं सुखी रहना चाहिए, ये राजसी होगा। और तामसी ये कहेगा मैं दुखी रहूं हजार बार पर ये सुखी क्यों है, ये तामसी व्यक्ति।
तो उनका फल भी आप लोग पीछे सुन ही आए हैं। तो इस प्रकार से क्या बतला दिया गया, तीन प्रकार की बुद्धि और तीन प्रकार की धृति आपको बतला दी गई, और इससे पूर्व तीन प्रकार का ज्ञान भी बतला दिया था सात्विक राजसिक तामसिक वेद से, तीन प्रकार के कर्म भी बतला दिए थे, तीन प्रकार का कर्ता भी बतला दिया था, उससे पूर्व तीन प्रकार की श्रद्धा, तीन प्रकार का यज्ञ, तीन प्रकार का तप, तीन प्रकार का दान, ये सब क्या है बतला दिए गए कि सात्विक राजसिक और तामसिक। और मोटे तौर पर हमने बता दिया था सात्विक का मतलब है केवल कर्तव्य करना, फल की इच्छा नहीं करना, अहंकार रहित होकर जो कर्तव्य पालन किया जाता है वो सात्विक है, उसको सब जगह जोड़ लेना, चाहे सात्विक दान, चाहे सात्विक यज्ञ, चाहे सात्विक तप, चाहे सात्विक श्रद्धा, सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, सब जगह जोड़ लेना। राजसिक में क्या होता है अहंकार पूर्वक और फल की आसक्ति, राजसिक में क्या होती है फल की आसक्ति और अहंकार, ये राजसिक है। और तामसिक में क्या है दूसरे का अनिष्ट करना है, प्रमाद, आलस्य, दंभ, मान, मद, इनसे जो युक्त है ऐसा जो जो तप है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, जो भी बतला दिए वो सब क्या है तामसी। और राजसी तामसी जिज्ञासु को जो अपना कल्याण चाहता है उसको क्या करना चाहिए, राजसी और तामसी का परित्याग करना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए, यज्ञ भी सात्विक हो, दान भी सात्विक हो, तप भी सात्विक हो, ऐसे नहीं कि आग जला करके बैठ गए, ऐसे जो तप है वो तामसिक तप है, एक पैर पर खड़े हैं, भूखे मर रहे हैं, ये सब मूढ़ता है, ऐसे ऐसे पागलपनी करते हैं ना, दुनिया में पागलपनी चलता है, पागलों की दुनिया जानती है, पागलों को जानती है ना, समझदारों को थोड़ा कोई जानता है, जो उल्टे काम करें तो उसको जानेंगे, पहले बताया था ना हमने, जो कुछ ना खाए तो उसको जानेंगे या जो बहुत ज़्यादा खाए उसको जानेंगे, समझदार को नहीं जानेंगे जो हिसाब से खाता है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा किसकी होगी कि जी वो तो कुछ भी नहीं खाता है, वो एक जगह बैठता है तो जो है जी 8 किलो गुलाब जामुन खा लेता है, मतलब मूर्ख व्यक्ति की चर्चा होगी, समझदारों की चर्चा होती ही नहीं है ना, संसार जो है मूर्खों का ही पक्षपाती रहा है, समझदारी वाले काम नहीं। तो इसलिए ये तप नहीं है कि ये तामसिक तप है कि आग जला कर बैठे जी, पैर एक पैर पर खड़े, ये सब तामसिक तप किसने किए, किसी ऋषि ने किए, किसी मुनि ने किए, ये राक्षसों ने किए, हिरण्याक्ष खड़ा है, हिरण्यकशिपु खड़ा है, रावण खड़ा है, ये तामसिक तप सदा किसने किए, राक्षसों ने, कहीं बता दो किसी ऋषि ने किसी मुनि ने एक पैर पर खड़ा हो गया हो, आग जला के बैठ गया हो, हैं ऐसा किया किसी ने, कोई नहीं करता, समझदार व्यक्ति काम ही नहीं है, तप बतलाए हैं ना, क्या तप है, शरीर का क्या तप है, किसी की हिंसा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य संभाषण आदि, ये क्या है, ये शरीर के तप क्या है, वाणी का तप क्या है, किसी को क्लेश ना हो, कष्ट ना हो, सत्य बोलना है, मीठा बोलना, ये क्या है, ये वाणी के तप है, स्वाध्याय करना, और मन के तप भी बतलाए थे, मन का तप क्या है, प्रसन्न रहना, सौम्यता, सरलता, मौन, ये क्या बतलाए थे, ये मन के तप बतला दिए। तो इस प्रकार से आपको अब तक क्या क्या बतला दिया गया है, भाष्यकार कहते हैं कि अब तक आपको क्रिया गुणों के भेद से क्रिया और कारक के तीन तीन भेद बतला दिए, क्या क्या बतलाए हैं, किस किसके भेद बतला दिए, क्रिया और कारक,
जो कारक है, क्रिया जिसके द्वारा संपादित होती, जिसके द्वारा क्रिया संपादित होती है, तो उसमें कर्ता भी आ गया, करण भी आ गए हैं, और उसमें आपके जो है क्रिया भी आ गए। तो ये इनका प्रतिपादन हो चुका है। अब जो कारक के द्वारा क्रिया जो संपादित होती है, हुई है, उसका क्या मिलता है? परिणाम, फल। तो फल क्या होता है, जो भी सुख या दुख है, अब उसके विषय में बतलाएंगे। तो अब तक क्रिया और कारक के त्रिविध भेद बतला दिए गए हैं, तो अब आप सुख के भी त्रिविध भेद सुने। तो देखो क्या बतला। सुखम त्वेदानिं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। तू माने किंतु इदानिम, अब तुम जो है ना, क्या सुनो? मैं शृणु, मुझसे सुनो। हे भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, वैसे तो तुम्हारा जो वंश है ये श्रेष्ठ ही है, क्योंकि इसमें अनेकों महात्मा हुए। भरत स्वयं महात्मा हुए, राजा भरत जो